नमस्कार, आज हम बात करेंगे निगेटिव एनर्जी के बारे में। ये निगेटिव एनर्जी क्या होती है, जो आपके अंदर और आपके घर के अंदर जो कुछ निगेटिव थॉट होते हैं या कुछ बाहर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है निगेटिव, वो आ जाती है तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी हो जाती है, जिसे आप साधारण भाषा में प्रेत बाधा या आत्माओं से ले सकते हैं। या क्यों होता है, कैसे होता है, ये वास्तु की दृष्टि से देखें तो अगर आपके घर में फायर वीक है, जो फायर की दिशा है, अग्नि की दिशा है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, अगर इन दिशाओं में इम्बैलेंस है, अग्नि वीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे साथ या हमारे पीछे कोई चल रहा है, जिसका आपको आभास होगा। या आपके घर में जैसे देखेंगे कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा है, अचानक से ये सब होने लगता है, घर में झगड़े होने लगते हैं, तो जिसका ये सिम्टम्स दिखता है कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी आ रही है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने घर में इन अग्नि की दिशा में अग्नि को बढ़ाइए, लाल कलर कीजिए, वहाँ पे लाल बल्ब लगाइए, अगर वहाँ पे ब्लैक कलर है तो हटाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा निगेटिव अगर वहाँ पे ब्लू और ब्लैक कलर रहेगा तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी आ जाएगी, जिसका एक बहुत बड़ा रामबाण इलाज है। आप अपने घर में जो समुद्री नमक होता है उसका पूरे घर में छिड़काव करेंगे, हर कोनों में उसका छिड़काव करेंगे, 100 ग्राम लेंगे, अगर आपका 400 स्क्वायर फीट का घर है तो पूरे घर में छिड़काव करेंगे और उसको 3 से 4 घंटे तक छोड़ देंगे, फिर उसको एक साफ कपड़े से 4 घंटे के बाद उसको साफ करना है, और साफ करते समय आपको ध्यान रहे कि आपके पैर में टच नहीं होना चाहिए, और जब यह आप अपने घर में ये डालते हो तो आप घर से बाहर, सब लोग घर से बाहर हो जाना है। फिर उसको साफ करने के बाद घर में साफ पानी से पोछा लगाना है, और उस नमक को आप अपने घर के बाथरूम में पानी के साथ डाल देंगे या तो कहीं बाहर जल प्रवाह कर देंगे। उसके बाद आपको देसी गौमूत्र लेना है, उस गौमूत्र को पूरे घर में किसी पुष्प या कुसा से छिड़काव करना है, हर कोनों में जितने भी आपके बेड हैं उनके नीचे, कपाट के अगल बगल पूरे घर में छिड़काव करना है। उसके बाद एक भीम सेनी कपूर आता है, उस भीम सेनी कपूर को पूरे घर में उसका धुआं करना है, जलाना है, और आरती के जैसे पूरे घर में हर कोनों में भी दिखाना है। उसके बाद सबसे लास्ट जो काम रहता है, पूरे घर में फिर गंगा जल का छिड़काव करेंगे, फिर आपका जो ब्रह्म स्थान है वहाँ पे एक घी का दीपक जलाएंगे, फिर आप देखेंगे कि आपके घर से जो निगेटिव एनर्जी रहेगी वो पलायन कर जाएगी। उसके बाद जो पीली सरसों होती है, पीली सरसों का पूरे घर में क्षेपण करेंगे तो आपके घर से ये निगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, और यह क्रिया आपको एक हफ्ते पूरा करना है। जैसे आप सोमवार से शुरू किए तो आपको अगले सोमवार को ही ख़त्म करना है, 7 दिन पूरा करना है। उसके बाद सबसे लास्ट क्रिया जो रहेगा, आप अपने घर के मेन दरवाजे पर 11 जो आम के पत्ते हैं उनका बंधनवार लगाएंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे जल्दी
वापस एनर्जी नहीं आएगी। अगर किया कराया रहेगा तो आ सकता है, लेकिन जो बाहर की निगेटिव एनर्जी रहेगी वो पलायन हमेशा के लिए कर जाएगी। अगर फिर आपको डाउट होता है तो आप हर तीसरे महीने ये क्रिया कर सकते हैं, उसके बाद वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नमस्कार।